नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक के बाद एक एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है, जिससे माफिया, गैंगस्टर और गौकसी करने वाले अपराधियों के खेमे में डर का माहौल है। उन्हें नहीं पता कि योगी पुलिस की कौन सी गोली पर उनका नाम लिखा है और कब वो गोली उनका राम नाम सत्य कर देगी, क्योंकि प्रदेश में सीएम योगी भी कह चुके हैं कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और अगर अपराधी बोली से नहीं समझेंगे तो फिर गोली से उन्हें समझाया जाएगा। और जब पुलिस की गोली चलने लगती है तो अपराध करने वाले अपराधी भी अपनी सांसें गिनने लगते हैं। कुछ ऐसी ही खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां अपराधियों ने पहले अपराध किया और फिर जब खबर लगी कि योगी की पुलिस आ रही है तो ये अपराधी सब कुछ छोड़ ऐसे भागे कि मानो एनकाउंटर की खबर उन तक भी पहुँच गई हो। बता दें कि नवरंगपुर गाँव का रहने वाला यश, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल ही है, वो चौथी कक्षा में पढ़ता है। शनिवार दोपहर घर के बाहर खेलते खेलते वो अचानक से लापता हो गया, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि बाइक सवार बदमाश यश का अपहरण कर अपने साथ ले गए, जिसके बाद घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्चे को बरामद करने के लिए 17 टीमों का गठन किया, जिसमें एडिशनल डीसीपी समेत 150 पुलिसकर्मी शामिल थे। एक दिन के बाद भी पुलिस के हाथ ना ही अपराधी लगे और ना ही वो बच्चा, जिसके बाद से यश के घर वालों ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया और पुलिस पर बकायदा दबाव बनाया। पहले से ही 150 पुलिसकर्मियों की टीम बच्चे की तलाश कर रही थी और अब सभी को जल्द से जल्द बच्चे को ढूंढने के लिए कहा गया, जिसके बाद से हर तरफ इलाके में सिर्फ पुलिस की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, जिससे अपराधी समझ गए होंगे कि अब पकड़े गए तो एनकाउंटर होना तय है। जिस बच्चे को उन्होंने अपहरण किया है वो बच्चा नहीं बल्कि उन्हीं की मौत का सामान अब बन चुका है, जिसके बाद अपराधियों ने बच्चे को मौका देख गांव के ही पास जंगल में छोड़कर भाग गए, जहां से बच्चे को बरामद कर पुलिस ने मेडिकल करवाया और अब उसे उसके घर वालों को सौंप दिया गया है। क्या कुछ कहा डीसीपी जोन 3 राजेश कुमार सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर, आप भी सुनिए इस वीडियो में। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार 10 से 15 टीमें इसमें लगा दी गई थी। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला था, छोटा बच्चा था, इसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती थी, और कल से लगातार हरियाणा से लेकर के और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो भी संभावित जगहें थी वहां पे पुलिस के द्वारा घेरेबंदी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी, तमाम लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही थी, परिजनों से पूछताछ की गई, गांव में सीसीटीवी वगैरह, आसपास पेट्रोल पंप, टोल जितना भी था सबको तलाश किया गया। जहां भी सूचना मिलती थी सारी टीमें हमारी घूम रही थी, और आज शाम को एक सूचना मिली कि अमरपुर गांव के पास एक बच्चे को दो लोग ले जाते हुए बाइक पर देखे गए हैं। तत्काल गांव को घेरेबंदी की गई, जगह जगह खेत बारी सब तलाशा गया, चारों तरफ फोर्स हमारी दौड़ने लगी, और इसका नतीजा था कि बदमाश ये समझ गए कि आज बचना मुश्किल है, इस बच्चे को कहीं सेट करने के लिए अलग ले जाना चाह रहे थे, और उन्होंने औरंगपुर गांव के पास पेट्रोल पंप के नीचे कच्ची सड़क पे बच्चे को छोड़ करके बदमाश भाग गए। वहां हमारी पीआरबी थी, उसने पीछा भी किया लेकिन बदमाश तब तक निकल गए। बच्चा सकुशल बरामद हो गया है, उसका मेडिकल करा करके अभी परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और शीघ्र ही हम इस केस का खुलासा भी करेंगे कि इसके पीछे कौन है और किडनैपर्स कौन थे, उनको शीघ्र ही सलाखों के पीछे करेंगे। पुलिस बच्चे की बरामदगी के बाद अब आरोपियों की तलाश कर रही है, तो वहीं अपने बच्चे यश को पाकर उसके घर वाले काफी खुश हैं और पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? क्या सच में योगी पुलिस का ही ये डर है कि जो अपराधी इस तरह से बच्चे को छोड़कर भाग गए? आप अपना जवाब, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।